हेलो फ्रेंड्स, तो हम आज बनाने जा रहे हैं राजमा की सब्जी। देखिए, हमने राजमा फूलने डाल दिया था, हम इसे उबलने रखेंगे। अब बने रहे, डालेंगे पानी उबालने के लिए। ओह माय गॉड, अब डालेंगे थोड़ी सी नमक जिससे हमारा राजमा गल जाए। अब रख देते हैं गैस पे ढक्कन लगा के। ओके, रख दिया राजमा उबलने के लिए, तो अब वेट करते हैं उबलने का। बने रहे प्लीज। देखते हैं हमारा राजमा कैसा है। हो तो गया, आपको खुद खाली रहते हैं छोड़ने के लिए। इधर सारा सामान काट लिया हमने। हरी मिर्ची, लहसुन, प्याज और टमाटर। अब इन प्याज और टमाटर को पीस लिए अलग अलग प्लेस बने हैं ब्लॉक में। तेल डाल के जीरे डाल दिया, हरी मिर्ची डाल दी, कहीं लहसुन भी डाल दिया, हरी मिर्ची भी डाल दी। अच्छे से भूनो। डाल दे प्याज पीसिए,
मन प्याज भूनने है, बस यही टमाटर है इसलिए हमने। क्या है अब डाले पे सवा टमाटर थोड़ी नमक अच्छे से भूनेंगे। ठीक है, टमाटर भून चुके हैं, अब जाएंगे इसमें मसाले, हल्दी मिर्ची सब्जी मसाला। हल्दी मिर्ची सब्जी मसाला सबको अच्छे से भूनेंगे। देखिए मैं सब्जी का रोगन करी का एकदम मसालेदार, अब जाएगा हमारा राजमा जब बन जाएगा। नीचे का मत डालिए, ऊपर ऊपर का डाल। ये गया हमारा राजमा पानी के साथ, देखिए हमारा राजमा कैसा बना है, अभी छुका है मतलब बना नहीं है, बस इसमें पानी जो देखिए हमारा राजमा का रोगन कितना अच्छा आया है। देखिए अब राजमा छुक चुका है, वो अच्छे से पकने देते जब दिखाएंगे आपको। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा राजमा दिखा
तो फ्रेंड्स प्लीज कमेंट में जरूर बताना हमारी रेसिपी कैसी लगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय। ऐसी ही रेसिपी लाते रहेंगे आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।